डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आरबीए ग्रेड बी के फेज टू में जो पूछी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको रेगुलरली कोशिश करना है कि एक आंसर तो आप लिखो ही, चाहे वो ESI का हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजमेंट का हो, चाहे वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का एसे राइटिंग हो। उससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो बढ़ेगा, टाइपिंग स्किल है वो बढ़ेगा, और आपको इवैल्यूएशन करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको लिमिटेड ही दे पाएंगे कंटेंट इवैल्यूएट करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। तो इवैल्यूएशन में अगर आपको मेरी मदद चाहिए या आप चाहते हो मैं आपको हेल्प करूँ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में फेज टू के, तो मैंने नीचे अपना नंबर प्रोवाइड करा हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो रेगुलरली, आप 2 या 3 दिन बाद उस आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करो, डिस्क्रिप्टिव में टाइप करने की कोशिश करो। उससे एक तो आपकी रिविजन हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना कंटेंट याद है और कितना आप भूल रहे हो, दोबारा से रिविजन करने की ज़रूरत है, और तीसरी आपकी डिस्क्रिप्टिव की तो प्रैक्टिस होगी ही होगी, और फाइनली आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आप देखोगे विद अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। टाइपिंग करते वक्त स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है लेकिन आप आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है उस कंटेंट को लेकर लेकिन आप टाइप नहीं कर पा रहे हो, बहुत स्लो हो टाइपिंग में, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो बोथ द स्किल हैज टू गो हैंड इन हैंड, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोज चाहिए तो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड डू कॉल मी इफ यू नीड एनी हेल्प।